देश कठिन दौर से गुजर रहा है तो साहित्यकारों की कलम चलनी चाहिए। कुमार विनिताब, जनवादी लेखक संघ के नए कमेटी का हुआ गठन। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। जनवादी लेखक संघ पश्चिमी चंपारण जिले का छठा सम्मेलन रामचंद्र राही सभागार और अनूप याज्ञिक मंच रिक्शा मजदूर सभा बेतिया में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर तथा अरुण गोपाल की अध्यक्ष मंडल ने की। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार राज्य जनवादी लेखक संघ के सचिव कुमार विनिताब ने करते हुए बताया कि आज हमारा देश कठिन दौर से गुजर रहा है। सामाजिक माहौल को जहरीला बनाने में शासक वर्ग भी काम कर रहा है। श्रम करके जीने वाले लोगों का जीना और भी कठिन होता जा रहा है। आज इस वर्ग के पक्ष में कलम चलनी चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल, मुंशी प्रेमचंद्र, राजेश जोशी, चंद्रबली सिंह, नामवर सिंह जैसे साहित्यकार उस कतार में खड़े नजर आते हैं। उन्होंने कविवर गोपाल सिंह नेपाली की मिट्टी को नमन करते हुए कहा कि चाटुकार साहित्यकारों पर बेबाकी से हमला करते हुए कहा कि तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गढ़ लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। सम्मेलन में जिला सचिव अनिल अनल ने पिछले 3 साल के कार्यों का एक प्रतिवेदन पेश किया, जिस पर प्रतिनिधि साथियों ने महत्वपूर्ण विचार दिए। उसके बाद रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन में 13 सदस्यीय नई कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर, उपाध्यक्ष मुजीबुल हक, सचिव अनिल अनल, संयुक्त सचिव अरुण गोपाल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर जफर इमाम जफर तथा कार्यकारिणी सदस्य सुरेश गुप्त, नंदलाल ठाकुर, चंद्रिका राम, अजय यादव, सुनील गुप्ता, ज्ञानेश्वर गुंजन, जयकिशोर जय आदि चुने गए। सम्मेलन को सीटू से शंकर कुमार राव, नीरज बर्णवाल, खेतिहर मजदूर यूनियन से प्रभुनाथ गुप्ता, प्रकाश वर्मा, अवध बिहारी प्रसाद, शंभू आलोक आदि ने संबोधित किया। न्यूज़ 9 टाइम्स। सर, जनवादी लेखक संघ में आज कार्यक्रम में क्या किया जा रहा है? जनवादी लेखक संघ जिला इकाई पश्चिम चंपारण बेतिया का आज छठा जिला सम्मेलन। हमारा संगठन पूरी तरह से अनुशासित तरीके से समयबद्ध प्रत्येक 3 वर्ष पर अपनी इकाइयों का सम्मेलन करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक जो स्थिति है उसका आकलन किया जाता है और फिर अपनी जो गतिविधियां रही हैं पिछले सम्मेलन से लेकर के अब तक की, उन गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है और नई कार्य योजना अगले सत्र के लिए बनाई जाती है। मूल्यांकन में किस तरह की बातों पर विशेष चर्चा की जाती है? मूल्यांकन जो हम करते हैं उसमें जो साहित्य है, साहित्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता, राजनीतिक सत्ता से इतर हर युग में साहित्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता रही है। राजनेता जनता को अपनी अपनी वर्गीय दृष्टि के साथ देखते हैं और उस पर शासन करते हैं, उसके विकास की योजना बनाते हैं, लेकिन साहित्य और साहित्यकार जनता को सामाजिक दृष्टि से, उसका जनता का जो वर्गीय जनता की संरचना है उसका मूल्यांकन अध्ययन किया साहित्यकार करते हैं, उसका जो यथार्थ है, जीवन है, जीवन का जो यथार्थ है उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर उसको शब्द रूप दे करके लेखन का जरिया बनाते हैं। आपका परिचय सर? मैं कुमार विनिताब, राज्य सचिव, जनवादी लेखक।